अम्बाला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके तहत आज अम्बाला कैंट सदर थाना को बड़ी सफलता हासिल हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को 10 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं। अम्बाला पुलिस लगातार नशा बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है और इसी अभियान के तहत अम्बाला कैंट थाना सदर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर पुलिस ने एक युवक को 10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया, जिस पर NDPS का मामला दर्ज किया गया। कैंट थाना सदर के SHO नरेश कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अहलुवालिया बिल्डिंग निवासी काफी समय से नशे के धंधे में संलिप्त है। छापा मारकर सत्यम सूद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट का मामला दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड लिया जाएगा। SHO का कहना है कि इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। माननीय गृह मंत्री साहब और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार एक नशा तस्करों के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है। उसी अभियान के तहत कल हमारी पुलिस पार्टी ने आलूवाड़िया बिल्डिंग अम्बाला कैंट के निर्देशक सत्यम सूद नाम के आदमी को पकड़ा है, जिसके पास से 10 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ है, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको आज पेश अदालत करके उसका पुलिस रिमांड लेंगे। कहां से ये लाता है और कब से इस धंधे में शामिल है, इन सारे बिंदुओं पर इसे तफ्तीश की जाए। इसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, पहले भी इसके और इसके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि यदि आपके आसपास भी ऐसे गैरकानूनी काम हो रहे हैं, कोई नशा बेच रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को दे। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पर, हमारे पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।